हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, इंडिया मैथ 365 में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने जैसे कि साइंस का आपको पता ही है जो सीरीज स्टार्ट की हुई है साइंस की, जिसमें हम आज फोर्थ लेसन के बारे में स्टडी कर भी रहे हैं, ठीक है। तो अब फोर्थ लेसन जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसमें हमने क्या है कुछ पढ़ लिया था, वो हमारे प्रीवियस जो आप चैप्टर बच्चे हमने जो वीडियो डाली है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो उसे, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। आपने सुना होगा बच्चे जो केमिस्ट्री के अंदर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे कुछ नेम होते हैं, ठीक है। उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं, वो ड्राइव कैसे हुए, फॉर्मूला बना कैसे वो, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्थ रहेगा, पता ही आपको। चैप्टर बच्चे फोर्थ रहेगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चे, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर हमारा फोर्थ, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होते क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उनसे हम क्या बच्चे ना, जो दूसरे वो फॉर्मूले हैं बच्चे, ठीक है, वो अल्केन के जो जितने भी आगे ग्रुप होते हैं वो ड्राइव करेंगे हम, और अल्कीन के और अल्काइन के। तो बच्चे एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, उस टेबल से हम क्या है उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रहेगा अल्केन, यहाँ पे अल्केन रहेगा बच्चे, ठीक है, यहाँ पे अल्कीन और फाइनल रहेगा अल्काइन। क्या? अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। एक छोटा सा टेबल है बच्चे, इस टेबल में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं बच्चे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इस पोर्शन का जो बच्चे जो पार्ट रहेगा उसे बोलेंगे बच्चे, यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा बच्चे प्रीफिक्स, और जो एंड वाला होगा बच्चे सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कार्बन रहता है बच्चे वन, उसे बोलेंगे अपन मिथेन, उसे बोलेंगे मिथ। अगर कार्बन वन रहता है बच्चे तो क्या बोलेंगे? मिथ। अगर कार्बन टू रहता है उसे बोलेंगे बच्चे इथ। कार्बन थ्री रहता है उसे बोलेंगे प्रोप, ठीक है। कार्बन फोर रहता है उस केस में बोलेंगे हम ब्यूट। अगर कार्बन फाइव रहता है उस केस में बोलेंगे बच्चे हम पेंट। कार्बन सिक्स रहता है उसमें बोलेंगे बच्चे हम हेक्स, और कार्बन अगर सेवन रहता है बच्चे उसमें बोलेंगे हम हेप्ट, ठीक है। कि जो हमारा जो मिथ है बच्चे, हमारा यहां से क्या होगा प्रीफिक्स, और यहां से ऐड होगा बच्चे उसका सुफिक्स। तो प्रीफिक्स और सुफिक्स जब उसके ऐड होंगे बच्चे तो क्या बनेगा नया प्रोडक्ट, वो देखेंगे। यहां से रहेगा बच्चे प्रीफिक्स और यहां से सुफिक्स, ठीक है। तो इसका मिथ, जब भी इसका बच्चे अगर कार्बन वन हो तो मिथ ऐड होगा, इधर से बच्चे क्या ऐड होगा एन, इसका लास्ट वाला क्या होगा एट। अगर मिथ और एन ऐड हो क्या बनेंगे बच्चे मिथेन, क्या बनेगा मिथेन। उसी प्रकार इथ और एन होकर बच्चे क्या मिलेंगे, क्या बनेंगे इथेन, ठीक है। उसी प्रकार प्रोप और एन मिलकर क्या बनाएंगे प्रोपेन। उसी प्रकार ब्यूट और एन मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे ब्यूटेन। उसी प्रकार पेंट और एन क्या बनेगा बच्चे पेंटेन। उसी प्रकार हेक्स और एन हेक्सेन बनाएंगे, ठीक है, और ये हेप्टेन। क्लियर है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको बच्चे कि जब कार्बन नंबर वन रहेगा
कि जब इस सीरीज में सी वन रहेगा तो उस केस में क्या बनेगा, मिथ बनेगा, इसका एन ऐड हो जाएगा बच्चे, एल्केन का क्या होगा, एन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, मिथेन, इथ का इथेन, प्रोप का प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, पेंट का पेंटेन, ठीक है, उसके बाद हेक्स का हेक्सेन और हेप्ट का हेप्टेन। हम ये देखते हैं, हमें पता है बच्चे इसका नाम मिथेन होता है, लेकिन मिथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये फाइन पता होना चाहिए फाइनल, ठीक है, हमें ये तो पता है ये मिथेन होता है, लेकिन मिथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिथेन से, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अल्केन होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, जो अल्केन होता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है, इसका हम क्या बच्चे टेबल में देखेंगे। तो बच्चे अब हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला रहेगा बच्चे अल्केन का CnH2n+2, ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा बच्चे CnH2n+2, वेयर n, जो n है बच्चे n क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, कि जितने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन C1 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो C है वो 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो अगर इसमें C1 पुट किया बच्चे तो हमारे पास आंसर आया C1H2 × 1+2, क्या बन गया C1H2 × 4, मतलब कि C1 तो कॉन्स्टेंट रहता है बच्चे, तो CH4 क्या बन गया, CH4 किसका बन गया, मीथेन का CH4, और ये क्या होता है बच्चे, मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है ना, हमने भी बताया था आपको, मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे अगर बात करें इथेन की, किसकी, इथेन की, तो एन की जगह क्या पुट करो, 2 पुट कर दो, क्या 2, तो C2 पुट करते हैं बच्चे C2H2 × 2+2, क्या बन गया C2H2 × 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो C2H6 क्या बन गया बच्चे C2 और H6 क्या बन गया, ये बन गया बच्चे इथेन, क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 पुट करते हैं यहां पे, C3 पुट करते हैं देखो, तो C3H2 × 3+2 क्या बन गया C3H2 × 3 = 6, 6 + 2 कितना होता है 8, तो C3H8 ये किसका आ गया बच्चे C3 और H8 आ गया बच्चे प्रोपेन का, किसका, प्रोपेन का, क्लियर है ना बच्चे, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ नहीं है, बस इस मोलिकुलर जो ये फॉर्मूला है इसका अल्केन का, इसी का ही गेम है सारा, ठीक है, ये लर्न हो गया। इसी के बी हाफ के ऊपर के बच्चे देखो, ये हमने क्या, जहाँ पे एन है बस वहाँ पे C1 पुट कर दो, एन की जगह पे कार्बन 2 पुट कर दो, एन की जगह पे कार्बन 3 पुट कर दो, जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमारे ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बच्चे क्रिएट होता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पुट कर लिया था यहाँ पे प्रोपेन, अब C4 पुट करते हैं, यहाँ पे C4 पुट किया हमने, तो C4H2 × 4+2 क्या बन गया बच्चे C4H2 × 8, 8 + 2 = 10, तो C4 और H10 बन गया बच्चे, किसका बन गया, ब्यूटेन का, C4H10 बन गया बच्चे, किसका, ब्यूटेन का, ठीक है, क्लियर है बच्चे। उसी प्रकार C5 का पुट करो, यहाँ पे 5 पुट किया C5H2 × 5, 2 × 5 + 2 क्या बन गया C5, 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, C5H12 क्या बन गया बच्चे C5H12, ये किसका बन गया, पेंटेन का, किसका, पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसी प्रकार हेक्सेन का भी सेम रहेगा और हेप्टेन का भी, तो हेक्सेन लिखते हैं C6H2 × 6+2 क्या हो गया C6H6 × 12, 12 + 2 = 14, तो C6H14 क्या बन गया बच्चे C6H14, ये किसका बन गया,
किसका बन गया बच्चे, हेक्सेन का बन गया, ठीक है। उसी प्रकार हेप्टेन का भी रहेगा, अगर यहाँ पे सी सेवन पुट करते हैं देखो, और एच कितना पुट करते हैं, टू इंटू में सेवन प्लस में टू, क्या हो गया सी सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन और टू कितने हो गए सिक्सटीन, कितने हो गए सिक्सटीन, सी सेवन एच सिक्सटीन। तो सी सेवन एच सिक्सटीन किसका बन गया बच्चे, ये हेप्टेन का। समझ में आया बच्चे? तो क्या किया हमने, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन पुट करते गए हमारे जो है बच्चे ये सीरीज तैयार हो गई, ठीक है। तो जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, ठीक है, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी देखा हमने। उसी प्रकार एज लाइक एज बच्चे क्या है, हम अल्कीन का भी तैयार करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूले सभी, और अल्काइन के भी, ठीक है। तो अल्केन में हमने देखा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला रहा था सी एन एच टू एन प्लस टू, और उसी प्रकार बच्चे अल्कीन के अंदर फॉर्मूला रहेगा सी एन एच टू एन, ठीक है। अल्कीन के अंदर जो मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम सी एन एच टू एन, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो बात करते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन की, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे सी वन पुट करो, यहाँ पे सी वन पुट किया हमने, और एच टू वन जा टू तो सी एच टू, क्या हो गया सी एच टू, ठीक है। तो सी एच टू, ये मैं से बता दूं आपको मैं बच्चे, दो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के केस में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ कार्बन क्या सी वन से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चे, ये सी एच थ्री हो गए, ठीक है, मिथाइल ग्रुप सॉरी, ठीक है। तो इनको क्या हम जो नंबर ऑफ कार्बन जो सीरीज स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बच्चे यहाँ से, कहाँ से, इथ से स्टार्ट करते हैं, इथ से नंबर ऑफ कार्बन टू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन टू पुट करो, यहाँ पे बच्चे क्या आया देखो, सी टू, सी टू पुट किया, ठीक है। उसके बाद एच टू टू जा क्या हो गया बच्चे, टू टू जा कितना हो गया, टू इंटू टू फोर आ गया ना, तो सी टू एच फोर कितना हो गया बच्चे, सी टू एच फोर, और ये क्या हो गया बच्चे, इथीन बन गया, क्या बन गया इथीन। कैसे बना, यहां से इथ आया और इसका लास्ट में क्या लिया हमने, इन, इथ और इन क्या बन गया, इथीन, ठीक है। उसी प्रकार इसका देखो सी थ्री पुट करो, यहां पे सी थ्री एच थ्री को टू से मल्टीपल किया कितना आया, थ्री टू जा सिक्स, तो सी थ्री एच सिक्स किसका आ गया बच्चे, सी थ्री एच सिक्स आ गया हमारे पास, प्रोपीन, क्या आ गया, प्रोपीन आ गया, ठीक है। उसी प्रकार किसका देखना हमें, ब्यूटीन का, तो यहाँ पे फोर पुट करो, सी फोर एच फोर इंटू टू कितना हो गया एट, सी फोर एच एट, ये किसका आ गया बच्चे, ये आ गया ब्यूटीन का, किसका आ गया, ब्यूटीन का आ गया, ठीक है। उसी प्रकार पेंटेन का देखो, यहाँ पे सी फाइव पुट किया एच, और फाइव टू जा कितने होते हैं टेन, तो सी फाइव एच टेन, ये किसका आ गया बच्चे, ये आ गया पेंटीन का, ठीक है, ये किसका आ गया पेंटीन का। उसी प्रकार बच्चे हेक्सीन का देखो, हेक्सीन का यहाँ पे सी सिक्स पुट करो, तो सिक्स को टू से क्या कितना आ गया एच ट्वेल्व, सी सिक्स एच ट्वेल्व, ये किसका रहता है, ये होता बच्चे हेक्स प्लस में इन, क्या बन गया हेक्स इन, किसका बन गया हेक्सीन का, ठीक है। उसी प्रकार किसका देखना है, हेप्ट का, तो हेप्ट और इन क्या हो जाएगा हेप्टीन, तो सी सेवन एच सेवन टू जे कितने हो गए 14, ये किसका आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास हेप्टीन का, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लिख के, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे क्या है, हमने अल्कीन के बारे में स्टडी की, अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, और फाइनल रहेगा हमारा अल्काइन। तो अल्काइन के मैंने बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हम इथ से स्टार्ट करेंगे। तो करो बच्चे, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सी एन एच टू एन माइनस में टू, क्या रहेगा सी एन एच टू एन माइनस में टू, ठीक है। तो उसी प्रकार इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं हम, अगर नंबर ऑफ कार्बन हम टू पुट करते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या पुट करते हैं, टू पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे करो पुट यहाँ पे, तो सी टू, सी टू आगे बच्चे एच, ठीक है, टू टू जा फोर माइनस टू कितना होता है फोर माइनस टू टू, तो ये क्या हो गया बच्चे
इथ प्लस में आइन, इथ प्लस में आइन, ये लास्ट वाले डिजिट ऐड होंगे बच्चे, ठीक है। इथ प्लस आइन क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइन बन गया, ठीक है। उसी प्रकार प्रोप के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोप यहां पे सी थ्री पुट करो, हमने थ्री पुट किया तो एच टू एन माइनस टू, एच थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस टू कितना होता है बच्चे, फोर, कितना होता है फोर, तो सी थ्री एच फोर। अब ये क्या बन गया, प्रोप प्लस में आइन प्रोपाइन, क्या बन गया, प्रोपाइन, ठीक है। उसी प्रकार नंबर ऑफ कार्बन क्या पुट करो, फोर पुट करो, तो सी फोर एच, फोर टू जा एट, एट में से टू माइनस किए बच्चे सिक्स, तो सी फोर एच सिक्स, ये किसका बन गया बच्चे, ये बन गया हमारे पास ब्यूटाइन का, किसका, ब्यूटाइन का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पेंटाइन का, पेंट का केस देखो, सी फाइव पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने सी फाइव पुट किया और एच कितना आ गया, फाइव टू जा टेन, ठीक है, ठीक है, फाइव टू जा टेन और टेन माइनस टू कितने हो गए, एट, तो सी फाइव एच एट, ये किसका रहेगा, पेंटाइन का, किसका, पेंटाइन का, ठीक है। उसके बाद बच्चे कार्बन नंबर सिक्स पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सिक्स पुट करें तो सी सिक्स एच, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टू माइनस किए बच्चे टेन, एच टेन, तो ये क्या आ गया हमारे पास, हेक्साइन, हेक्स प्लस में आइन क्या बन गया, हेक्साइन, ठीक है। और लास्ट रह गया हमारे पास हेप्ट, हेप्ट प्लस में आइन क्या बन जाएगा, हेप्टाइन बन जाएगा, और नंबर ऑफ कार्बन कितने पुट करने हैं, सेवन पुट करने हैं, तो सी सेवन एच, सेवन टू जा फोर्टीन और फोर्टीन में से माइनस टू के बच्चे कितने बन गए, ट्वेल्व, सी सेवन एच ट्वेल्व, ये बन गया हमारे पास हेप्टाइन, ठीक है। तो हमने देखा बच्चे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो हमने अल्केन के बारे में जो मोलिकुलर फॉर्मूला देखा, सी एन एच टू एन प्लस में टू, ठीक है। और अल्कीन के बारे में जो मोलिकुलर फॉर्मूला देखा बच्चे हमने, सी एन एच टू एन, और जो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला था बच्चे अल्काइन के अंदर, सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है। इस फॉर्मूले के जरिए क्या बच्चे, हम जो हमारे जो टेबल में बच्चे इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड एज सून एज, ठीक है, उन सभी के बच्चे मोलिकुलर फॉर्मूले हम फाइंड कर सकते हैं, उनके नेमिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूले थे, अब इनके स्ट्रक्चर आ जाते हैं बच्चे, कि इनका जो है स्ट्रक्चर जो ड्रा करो, इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर बच्चे क्या है, जो ज़्यादा जो पूछा जाता है मैक्सिमम डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है, डॉट स्ट्रक्चर, इसके जरिए बच्चे हम इसका क्या स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेंगे, इसका डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, ठीक है, दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसका एक बार डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल उठा लो बच्चे, कोई भी उठा लो, जैसे हम ले एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, इसका ले लेते हैं बच्चे, ठीक है, या फिर इसका ले लो, इथेन का ले लो, इथेन का ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हमने स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। सी टू एच सिक्स है ना बच्चे, सी टू एच सिक्स, ठीक है। तो सी टू एच सिक्स को इस प्रकार अरेंज करना है बच्चे, जो उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी ना वो भी कंप्लीट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो बॉन्डिंग का विशेष ध्यान रखना हमें, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, सी टू, सी टू, ठीक है, और एच कितनी है, सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इसका बच्चे क्या मतलब है, देखो अब हमने क्या है ना, इसको मतलब कि इस प्रकार एडजस्ट क्यों किया है, जो हमने एच इसको मतलब कि क्या है, एच इसके अराउंड हमने मतलब कि एडजस्ट कर दिया, वो कैसे किए बच्चे, ठीक है। हमने जो ये वाला एच उठा के यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, ये वाला एच यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, हमने कार्बन के आसपास ही क्यों लगाए बच्चे। तो बच्चे मैंने आपको बताया था, कार्बन जो होता है बच्चे क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन के अंदर, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग बच्चे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है वो कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हम चैप्टर भी कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो बॉन्डिंग तो शेयरिंग होगी बच्चे, ठीक है। तो शेयरिंग से बच्चे क्या अभिप्राय है, तो देखो मैंने क्या कहा था, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर होते हैं ना बच्चे। तो फोर देखो, वन, ठीक है, टू थ्री फोर,
क्लियर है। उसी प्रकार इसके भी फोर होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इसके भी फोर हो गए और इसके भी फोर हो गए, क्लियर है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन ही होते हैं ना, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने हो गए बच्चे, वन इसके पास हो गए, वन इसके पास हो गया, वन वन और वन वन, क्लियर है यहाँ तक। हाइड्रोजन के पास जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वन होते हैं, और कार्बन के पास जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फोर होते हैं, ठीक है। अब ये शेयरिंग कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो, हमने इनको इस प्रकार एडजस्ट किया है ना, मतलब इनका जो ऑर्बिटल है वो भी फुलफिल हो जाए, उनका जो बॉन्डिंग है बचे वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन को बच्चे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, फोर तो इसके पास है ही ऑलरेडी, अब फोर और चाहिए इसे, फोर और चाहिए बच्चे, देखो तो बच्चे फोर इसके पास है, 1 2 3 4, फोर ये हो गए, 5 6 7 8, अगर बच्चे ये ऐसे इसे कंप्लीट कर लेता है, इसे ये ले लेता है ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया, इसने अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर लिया। उसी प्रकार क्या है बच्चे, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं, फोर ही है, फोर की और रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे ये क्या करेगा, इससे भी समझ में आया बच्चे क्या किया मैंने, कि जो ये इससे कंप्लीट कर लिया इसने, ठीक है, और ये वाला इससे कर लिया इसने, क्लियर है, कि जो इसके बच्चे जो बॉन्डिंग है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, कि अब थोड़ा सा ना इसको इस जो मतलब जो मैंने बनाया है बच्चे ये थोड़ा सा ना बड़ा बनाते हैं, समझ में आया क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो क्या था, C2H6 कितने 6 हैं, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बना लिया इसका, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना पीछे, C2H6 का, ठीक है, तो C2H6 हो गए। अब ये बताओ कार्बन के लास्ट सेल में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे, 4, 1 2 3 4, क्लियर है। उसी प्रकार इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही होंगे ना बच्चे, 1 2 3 4, क्लियर है। और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 सॉरी, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, 1 1 इसके पास हो गया, 1 इसके पास हो गया, 1 इसके पास, कंप्लीट है। अब हाइड्रोजन को और जो कार्बन है उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखो कार्बन को अपना ऑक्टेट जो है अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और उसके पास आ जाते हैं तो उसका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन को हम एक और दे देते हैं तो हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि इस कार्बन को बच्चे कितने और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 4, तो अगर 4 है 4 के साथ और शेयर कर लेगा, 4 इसके पास 4 तो ऑलरेडी है ही ना बच्चे, 4 तो है इसके पास, अगर 4 और ले लीजिए, कि देखो अगर ये वाला कार्बन जो है बच्चे इस प्रकार क्या करे, ये देखो कंप्लीट है कार्बन का जो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। उसी प्रकार इस वाले कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन के पास कितने हैं, 4 ये रहे, 5 6 और 7, अगर ये वाला कार्बन इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले ले तो अपना ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट है। कि इसने क्या काम किया बच्चे, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, इसने क्या काम किया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो कार्बन तो फुलफिल हो गया, ठीक है, कार्बन का तो जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो गया। अब किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास कितने बचे, 1 इसके पास है, अगर ये वाला 1 इससे ले ले यहां से, अगर ये 1 यहां से ले ले तो हाइड्रोजन कंप्लीट, यहां से हाइड्रोजन ले ले, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, यहां से ये वाला हाइड्रोजन ले ले बच्चे, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट, समझ में आया बच्चे मैंने क्या कहा, कि इनको हर एक को अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, अपनी जो रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। उस प्रकार हमने क्या किया, इनको क्या किया हमने, इस प्रकार एडजस्ट किया कि इनका ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया, इनकी जो शेयरिंग है वो भी क्या अच्छे से होगी बच्चे, ठीक है, कंप्लीटली होगी। तो ये इसका एग्जाम्पल था किसका, इथेन का, किसका,
इथेन का C2H6। उसी प्रकार हम सभी के जिस प्रकार डॉट, ये हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया बच्चे, इसका हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर भी ड्रा किया बच्चे हमने, ठीक है, और इसका डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रा किया, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर जिस प्रकार हमने इसका तैयार किया, हम क्या अल्कीन का ग्रुप को भी ऐसे कर सकते हैं और अल्काइन का, ठीक है। जैसे हमने इथेन अल्केन ग्रुप को किया, हम एक अल्कीन ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं, उसी प्रकार हम एक अल्कीन ग्रुप का भी एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, ठीक है। अल्कीन ग्रुप देखते हैं, तो इससे में एग्जाम्पल ले लो, इथिन का ही ले लेते हैं, तो C2H4 देखते हैं, ठीक है। तो C2 मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चे, C2 है, H कितने है, 4 है, H कितने बच्चे, 4 है, 1 2 3 4, C2H4 है ना बच्चे। और मैं बता दूं आपको, जो हमने अल्केन ग्रुप में किया था उसमें जो बॉन्डिंग देखी थी वो सिंगल बॉन्डिंग थी बच्चे, कि जो सभी के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही थी बच्चे, जो शेयरिंग हो रही थी वो सिंगल सिंगल से शेयरिंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो बच्चे शेयरिंग होगी वो डबल बॉन्डिंग बनेगी, वो देखते हैं कैसे। अगर आपको पता है कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर 2 आ गए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 4 है, 1 2 3 4। लेकिन बच्चे जो कार्बन है, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 है ना, 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 3 है बच्चे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एक बॉन्डिंग यहाँ लगा देते हैं, बॉन्डिंग एक, अगर ये बॉन्डिंग यहाँ लगाता है, तो कार्बन का कंप्लीट हुआ, इस वाला कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, और 1 2 3 4 इस वाला कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे कि इसका भी कंप्लीट हो रहा है और इसका भी कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद करते हैं हम, देखो कि एक हाइड्रोजन ये रहा बच्चे इसके पास, एक ये रहा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके पास ये रहा, एक ये रहा। उसी प्रकार मैं बता दूं कार्बन के पास कितने होते हैं बच्चे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। तो इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 तो इसके पास होते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे कितने थे, 3 थे, इसको हमने एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको बॉन्डिंग क्लियर करा दी, इसको हमने बॉन्डिंग यहाँ से दे दी, देखना डबल बॉन्डिंग बना दिया। अब डबल बॉन्डिंग बनाने के बाद बच्चे क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके पास कितने हैं, C2H4। अगर इसको अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 8 की है, तो इसके पास 1 ये रहा बच्चे, 2 एक यहाँ से ले लेगा, 3, ठीक है, 3 और 4 7। लेकिन बच्चे यहाँ से कितने लेगा, 2 लेगा, यहाँ से कितने लेगा, 2, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग हमारी कितने की है, 2 की है, जो हमने इसके अंदर जो बॉन्डिंग है ना बच्चे वो कितने की ली गई है, 2 है, ठीक है। इस प्रकार इसका, उसी प्रकार ये भी डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यही बात है ना बच्चे। अगर यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया है, तो 2 इधर से भी लेगा, क्योंकि हमने जो बॉन्डिंग शो किया इसके अंदर क्या किया, डबल बॉन्डिंग किया है, ठीक है। इस डबल बॉन्डिंग के कारण इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। और ये कहाँ से, जो ये मतलब कि जो हमने इसको ड्राइव कहाँ से किया बच्चे, अनसेचुरेटेड ग्रुप में से किया है, कहाँ से किया है, अनसेचुरेटेड ग्रुप के हमने 2 पार्ट पढ़े थे ना, अल्कीन और अल्काइन, वहीं से बच्चे क्या है, अल्कीन निकला, ठीक है। और अल्कीन को, अल्कीन का हमें पता है क्या, कौन सी बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को, ठीक है। जैसे हमने बच्चे इसको इथीन को किया, उसी प्रकार प्रोपीन, ब्यूटाइन, ठीक है, और पेंटीन, हेक्सीन और हेप्टीन को, लाइक एज इज, ऐसे सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, एक तो अल्कीन का ग्रुप देख लिया, अल्कीन का, और एक फाइनल और देख लेते हैं बच्चे, किसका, अल्काइन का, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अल्काइन को। अल्काइन में क्या रहेगा बच्चे, अल्काइन में यही एग्जांपल लेते हैं इथाइन का, तो क्या रहेगा, C2H2, क्या, C2H2। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 है। अब लास्ट कार्बन के जो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना बच्चे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2 हैं। तो अगर यहाँ पे बच्चे हम 2 बॉन्डिंग और लगा देते हैं, अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग और लगा देते हैं, मतलब कितनी होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी ना, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, तो कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 और 1 4 हो गए ना कंप्लीट, 3 यहाँ से आ गए, 1 ये, तो 4। इधर की बात करें तो 1 ये रहा 1 2 3, ये वाला भी कार्बन कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कार्बन कंप्लीट हो गया, क्लियर है ना बच्चे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे, यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, यहाँ कार्बन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 ये हो गया बच्चे और 4 ये हो गई, 4 और 1 कितने होते हैं, 5, और 5 और 3 कितने होते हैं,
8, मतलब इसने अपना जो ऑक्टेट है वो बच्चे कंप्लीट कर लिया। उसी प्रकार बच्चे 1 2 3 4 5 5, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 3 की ना, तो 1 2 3, तो इसने क्या कर लिया अपना यहाँ कंप्लीट कर लिया। समझ में आया बच्चे क्या कहा मैंने, कि हर एक जो एलिमेंट होता है या फिर एटम होता है उसे अपने ऑर्बिटल कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कार्बन को 8 की जरूरत थी तो इसने कंप्लीट कर लिया। उसी प्रकार हम इसकी क्या, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को हम ऐसे बढ़ाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। इसकी बात करें, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, यहाँ से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बैलेंस है ना। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है और क्या बच्चे कार्बन भी बैलेंस है। तो यह हमने क्या देखी बच्चे, एक टेबल देखी थी, ठीक है। इस टेबल के जरिए हम क्या जो डिफरेंट डिफरेंट जो भी ठीक है नेमिंग है उनको क्या लर्न कर सकते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो आज के जो बच्चे इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर बच्चे ये रहेगा। तो आज हमने क्या देखा, अल्केन अल्कीन और अल्काइन के बारे में स्टडी किए बच्चे, ठीक है। अगर इस चैप्टर में जो हमने आज का टॉपिक किया बच्चे, इसमें से अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चे। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।